दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि अगर आप कूलर का बिजनेस कर रहे हैं तो कूलर बिजनेस में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, जहां आप 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए केवल 3 से 4 महीने में ही कमा सकते हो, क्योंकि कूलर का बिजनेस इतना अच्छा है। लेकिन अब हम यहां पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि कितनी प्रॉफिट आपको मिलेगी एक्चुअल में अगर आप कूलर का बिजनेस करते हैं। दोस्तों, कूलर का जो बिजनेस है, जो उसमें प्रॉफिट मिलती है, वो कुछ चीजों पर निर्भर करती है। क्या क्या चीजों पर निर्भर करती है, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि नंबर एक, कूलर का जो बनाने का प्रकार है, कूलर का प्रकार है वो कैसा है। आप किसी कंपनी से खरीद रहे हैं, है ना, कूलर बने बनाए, या फिर स्वयं असेंबल कर रहे हैं, इस पर इसकी प्रॉफिट निर्भर करती है। कोई भी चीज, अब जैसे किसी कंपनी ने माल खरीदा है तो वो हमें अलग रेट में पड़ेगा, और उसी चीज को हम थोड़े थोड़े पार्ट्स करके लेके आते हैं, तैयार करते हैं, तो वो अलग रेट में पड़ेगा। तो इस चीज पर भी प्रॉफिट निर्भर करते हैं। दूसरी चीज, बिजनेस का आकार। दूसरी चीज होती है बिजनेस का आकार कितना बड़ा है, यानी कि आप एक सीजन में कितने कूलर बेच सकते हैं, इस पर भी निर्भर करती है आपकी प्रॉफिट, कि आपको कितनी प्रॉफिट मिलने वाली है। नंबर तीन, बिजनेस का स्थान, आप अपना बिजनेस कहां पर शुरू करना चाहते हैं, कौन सी जगह है। क्योंकि क्या होता है, जहां पर पहले से ज्यादा कूलर विक्रेता नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं है, वहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगी, है ना, तो ये भी निर्भर करता है। और बात करते हैं नंबर चौथे पॉइंट की, बिजनेस की मार्केटिंग। आप बिजनेस की जो भी कूलर लिए हैं, आप तो उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, है ना। जितनी अच्छी तरीके से मार्केटिंग करेंगे, जितनी ज्यादा आप मार्केटिंग करेंगे, उतना ज्यादा आपका कूलर बिकेगा, तो इस पर भी आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। बात करते हैं नंबर पांचवे पॉइंट, बिजनेस की कूलर की कीमत और उसकी गुणवत्ता। दोस्तों, क्या होता है कि जैसे कि हम प्रॉफिट लेना है तो मुझे कितनी प्रॉफिट मिलेगी, ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपके कूलर की गुणवत्ता कैसी है, आपके कूलर की कीमत कैसी है। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कम कीमत रख करके ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, क्योंकि वह क्या करते हैं कि ज्यादा माल सेल कर लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो केवल गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, है ना, और वो प्रॉफिट पे कम ध्यान देते हैं, तो उसके बावजूद भी उनका कूलर ज्यादा बिकता है तो वो भी प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ये निर्भर कर जाता है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आंकड़ा हम लगाते हैं कि अगर आप कूलर बेच रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, हम बात करते हैं। अगर आप एक सीजन में कुछ नहीं बोलते 1000 कूलर बेच लेते हैं, है ना, एक सीजन जो आपकी आई 1000 कूलर बेच लेते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए की प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगी। यानी कि आप होलसेल में काम कर रहे हो, होलसेल माल लगवाए हो, होलसेल बेच रहे हैं, तो 1000 कूलर का मतलब हो गया 1000 पर पीस का प्रॉफिट आपके लिए 1 लाख रुपए आपको बच गए। और वही अगर आप कुछ नहीं, आपने 5000 कूलर एक सीजन में सेल कर लिए और हर पीस पे 1000 रुपए की प्रॉफिट होलसेल में आपको आसानी से हो जानी है, तो 5 लाख रुपए की आपको प्रॉफिट आसानी से हो जाएगी। और वही अगर आप 10000 कूलर एक सीजन में बेच लेते हैं, आपको 10 लाख की प्रॉफिट हो गई। तो ये निर्भर कर जाता है, जैसे कि हमने पहले आपको मुख्य पॉइंट बताए, इन पॉइंटों को नजर रखते हुए आप इसमें आज कम ज्यादा प्रॉफिट हो सकती है, लेकिन ये आंकड़ा है कि इतना लगभग आपको प्रॉफिट मिलनी चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों कि अगर हम प्रॉफिट मुझे कितनी मिलेगी और कितनी लागत होगी, मार्केट कहाँ है। लेकिन अब बात आती है कि अगर कूलर बिजनेस मुझे करना है तो क्या इसमें रिस्क भी है। भाई, कोई बिजनेस तो मुझे करना है, तो पहले हमें ये भी पता करना चाहिए बिजनेस शुरू करने से पहले, क्या इसमें कोई रिस्क है। तो अगले पार्ट में चर्चा करने वाले हैं कूलर बिजनेस में हमें कितना रिस्क देखने को मिलता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।